हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ई इनवाइसिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें हम ई इनवाइसिंग के डोमेन पार्ट और टैली में किस तरीके से, टैली प्राइम में किस तरीके से इसको बना सकते हैं, ई इनवाइसिंग को किस तरह से टैली प्राइम आपकी हेल्प करेगा आप इस कंप्लायंस को फुलफिल करने में, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टैली जो है काफी रिनाउंड ब्रांड है एंड काफी समय से, अराउंड 30+ इयर्स से जो है वो अपने टैक्स पेयर्स जो भी हैं, जो भी यूजर्स हैं, उनको सर्व कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है कंप्लायंस को फॉलो करने में। सो दिस जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम व्हेन वैट वाज एप्लीकेबल, जब वैट एप्लीकेबल हुआ था 2005 में, तब से हम कंप्लायंस बेसिकली उस कंप्लायंस को फुलफिल करने में हम उस वैट से हम यूजर को हेल्प कर रहे हैं। एंड जुलाई 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लगा तो हमने अपना रिलीज 6 लॉन्च किया, जो कि जीएसटी इनेबल्ड रिलीज था, और जिससे कि यूजर को हेल्प मिली जीएसटी के कंप्लायंस को फुलफिल करने में। एंड नाउ एज वी ऑल नो, जैसे हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर 2020 से 500 करोड़ से ऊपर के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर भी जो है ई इनवाइसिंग जो है वो एप्लीकेबल हुई। उसके बाद 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ से ऊपर के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल हुआ है। और हम जो है टैली जो है टैली प्राइम जो है वो जी ई इनवाइस इनेबल्ड किया गया 1.1 रिलीज में, जिससे कि वो अपनी ई टैक्स पर जो है अपनी ई इनवाइसिंग के कंप्लेंस को फुलफिल कर सके। एंड ऐसा सुनने में आ रहा है कि अप्रैल 2021 ऑनवर्ड दिस ई इनवाइस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, सभी के लिए वो एप्लीकेबल होने वाला है, हर तरह के टैक्स पेयर्स के लिए। जनरली ये B2B ट्रांजेक्शन्स के लिए है, B2C ट्रांजेक्शन्स के लिए ये नहीं होता। ओके, एंड वी होप दिस जर्नी कंटिन्यूज एंड आपका फीडबैक और आपके सपोर्ट से ही हम आज यहाँ पर हैं। सो ये जो सेशन है वो सेशन दो पार्ट में है। पहला पार्ट जो है वो डोमेन कवर करेगा और दूसरा पार्ट जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट आउट, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट वन ऑफ द सेशन। सो व्हाट इज एन ई इनवॉइस? तो ई इनवॉइस बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग कह सकते हैं, जिसमें हमें अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर से डेटा को जो है आईआरपी पोर्टल पर डालना पड़ता है, जिससे आईआरपी पोर्टल जो है वो आईआरएन जनरेट करता है। तो दैट आईएन जनरेट करने आईआरएन और क्यूआर कोड जनरेट करता है, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड एन इनवॉइसिंग प्रोसेस। इनवॉइसिंग सबसे पहले हमने बताया कि B2B टैक्स इनवॉइस के थ्रू करी जा सकती है, एक्सपोर्ट इनवॉइस, रिवर्स चार्ज की कोई इनवॉइस हो, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट्स, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनवॉइसिंग के लिए इस्तेमाल करे जा सकते हैं। तो इनवॉइसिंग के आने के बाद क्या बदला है बेसिकली? तो अभी का जो टैक्स सिस्टम है वो सभी को एप्लीकेबल है, बट इनवॉइसिंग जो है वो अभी सिलेक्टेड टैक्स पेयर यानी कि 100 करोड़ से ऊपर के जो टैक्स पेयर है उनके लिए ही एप्लीकेबल है। रिपोर्टिंग ऑफ ई इनवॉइसिंग ऑन जीएसटी पोर्टल, तो जेसन अपलोड हम लोग कर रहे थे अभी तक के लिए। ई इनवॉइसिंग का एक अपना प्रिस्क्राइब्ड स्कीमा है, जो डेफिनेटली आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो टेक केयर करेगा उस पार्ट को, उसके लिए यूजर को वरी करने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई यूजर्स आर यूजिंग द टैली ईआरपी। इनवॉइस रेफरेंस नंबर, इसका कोई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं था, बट पोस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ ई इनवॉइसिंग
ये एक IRN एक नंबर जनरेट होता है जो कि एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है इनवॉइस को, और इसका फायदा ये है कि उस IRN से आप वैलिडेशन भी कर सकते हो किसी ई इनवॉइस का, क्योंकि IRN यूनिक होगा हर इनवॉइस के लिए, इट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, ये डुप्लीकेट नहीं होगा। QR कोड इसका कोई कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं था। जनरली लोग QR कोड अपने पर्सनल पेमेंट्स और इन सब के लिए यूज करते थे, बट अभी इनवॉइस वैलिडेशन के लिए भी ये काम शुरू हो जाएगा। तो यूजर जो है उस QR कोड को स्कैन करके ये चेक कर सकता है कि जो इनवॉइस इशू हुआ है उसको, पेपर इनवॉइस जो इशू हुआ है वो वैलिड है या नहीं वैलिड। इनवॉइस अमेंडमेंट एंड कैंसिलेशन, तो अभी तक GST पोर्टल पे ही ये सारी चीजें होती थी पोस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ ई इनवॉइसिंग। आप IRP को सिर्फ 24 घंटे में कैंसिल कर पाएंगे, अदरवाइज उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते इस ई इनवॉइसिंग को। वो आपको फिर आपको डेबिट और क्रेडिट नोट बनाकर ही ई इनवॉइस के इम्पैक्ट को नलिफाई करना पड़ेगा। सो दीज आर द मेजर चेंजेस अगर हम बात करें तो एक ई इनवॉइसिंग के इंट्रोडक्शन के बाद हुआ है। क्या अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सवाल वन लाइनर्स भी आते रहेंगे जिनको हमें देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, जो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है मार्केट में, उसको सॉल्व, उसको रिजॉल्व, उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए इनको रखा गया है SVPT में। तो एक कंफ्यूजन ये है कि क्या B2C सप्लाईज को भी मुझे ई इनवॉइस में नोटिफाई करना है, ई इनवॉइस में डालना है। तो जैसे मैंने बताया कि ई इनवॉइसिंग के लिए आपको सिर्फ B2B ट्रांजेक्शन को B2B ट्रांजेक्शन को ही ई इनवॉइस बनाना जरूरी है, B2C के लिए जरूरी नहीं है, बिकॉज B2C में कोई भी ITC लेने वाला पर्सन नहीं होता है ना। तो गवर्नमेंट जो चेक करना चाहती है वो ये चेक करना चाहती है कि आप कोई भी ITC फेक जो है पास ऑन ना करें, उसके लिए ई इनवॉइसिंग B2B ट्रांजेक्शन के ऊपर है। और वॉट इज एन IRP, IRP क्या है? तो IRP बेसिकली एक पोर्टल है जिसपे आप इनवॉइसेस अपलोड करते हो, विच इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो इसके ऊपर जब आप इनवॉइसेस अपलोड करते हैं फ्रॉम योर सॉफ्टवेयर, तो ये पोर्टल आपको एक QR कोड और एक IRN जनरेट करके दे देता है, विच इज यूनिक। तो बेसिकली ये एक पोर्टल है IRP। ई इनवॉइसिंग डिटेल, तो ई इनवॉइस बेसिकली जब आप ई इनवॉइस बनाते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालनी होती है। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस करते हैं तो ई IRP जो पोर्टल है वो उसको इनवॉइस को रिजेक्ट कर देता है, और आपको एक प्रॉपर एरर मैसेज दे देता है कि इस वजह से मैंने जो है इस इनवॉइस को रिजेक्ट किया हुआ है। तो बेसिकली ये सारी डिटेल्स होती हैं जो सामने आपको दिख रही हैं। इज देर एनी फिक्स्ड पोजिशन टू प्रिंट द QR कोड? सो नो, एज सच कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको QR कोड और IRN का प्रिंट करना है। आप टॉप ऑफ द इनवॉइस भी प्रिंट कर सकते हैं, बॉटम ऑफ द इनवॉइस भी प्रिंट कर सकते हैं, फर्स्ट है ना। तो ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है अभी, ठीक है? नो, इट कैन बी प्रिंटेड एनी वेयर ऑन दी इनवॉइस। सो ये छोटे छोटे वन लाइनर्स एड किए गए हैं ताकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूजन होती है यूजर के दिमाग में, उसको दूर करने के लिए। एक मैक्सिमम नंबर कितने लाइन आइटम उसमें ऐड किए जा सकते हैं? तो वैसे तो 1000 लाइन आइटम जो है आप ऐड कर सकते हो, और मिनिमम 1 होना चाहिए, लेकिन टैली के अंदर ऐसा सच कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 1000 से ऊपर भी कर सकते हो। लेकिन ई इनवॉइस के लिए आप एक बार में 1000, मतलब एक इनवॉइस के अंदर आप मैक्सिमम 1000 लाइन आइटम ही डाल सकते हैं। डू आई नीड टू प्रिंट IRN ऑन द इनवॉइस? सो IRN और QR कोड दो चीजें हैं बेसिकली, और QR कोड जो है वो उसके अंदर IRN रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होती है, ठीक है, कि किसका क्या IRN है और क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर है। तो ये सारी चीजें QR कोड में ऑलरेडी होती हैं। तो जो QR कोड है वो प्रिंट करना जो है
मैंडेटरी है, और IRN का सच प्रिंट करना जरूरी नहीं है, बट इट इज बेटर एंड इट इज एडवाइजेबल कि आप दोनों चीजें प्रिंट करें। टैली में बाय डिफॉल्ट दोनों चीजें प्रिंट होके आती हैं, IRN और QR कोड दोनों आता है, एंड इट इज एडवाइजेबल टू प्रिंट। तो प्रिपेयर्डनेस क्या करनी होगी, अगर किसी को ई इनवॉइस के अंडर अगर वो आ रहा है 100 करोड़ से ऊपर का उसका टर्नओवर है, तो उसे क्या क्या प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर्डनेस करनी है, उसको कैसे प्रिपेयर होना है इसके लिए। सबसे पहले टैक्स पेयर को जो है डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन रिसीव होगा, जैसे कि GST से, सॉरी VAT से, जब हम GST में ट्रांसफर हो रहे थे तो उस वक्त भी डिपार्टमेंट से सभी को टैक्स पेयर को मेल गया था। ऑन रिसीविंग द कम्युनिकेशन टैक्स पेयर विल लॉग इन टू द IRP पोर्टल। आप IRP पोर्टल पे लॉग इन करोगे, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जब आप यूजर क्रिएट करते हैं तो वहां पे आपको अपना GSP सेलेक्ट करना होता है। GSP GST सुविधा प्रोवाइडर, तो टैली जो है वो GST सुविधा प्रोवाइडर भी है। तो जब आप ऑनलाइन जब यूजर क्रिएट करते हैं, API यूजर, वहां पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि बेसिकली उसका आप API के थ्रू जाएंगे और API में कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनी आपको सेलेक्ट करना है, तो आप जिसको सेलेक्ट करोगे वही आपका GSP हो जाएगा। और उसके बाद आप ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ई इनवॉइस जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जो API यूजर आपने क्रिएट किया है वो API यूजर आपको उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा एक बार लॉगिन के लिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट जनरेटिंग द ई इनवॉइसेस। सो दैट इज दी प्रिपेयर्डनेस पार्ट, प्रिपरेशन पार्ट बेसिकली, कि आप ई इनवॉइसिंग पे जाने से पहले आपको ई इनवॉइस जनरेट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। अब ई इनवॉइस के बेनिफिट टैक्स पेयर्स को क्या है, तो मेजर मेजर मैं चीजें बता देता हूँ। सबसे पहला तो एरर के चांसेस कम होंगे, क्योंकि जो डेटा आपने ई इनवॉइस के फॉर्म में दिया है वही डेटा हर जगह फ्लो होगा, यानी कि ई वे बिल में भी वही जाएगा, आपकी GST की रिटर्न में भी वही जाएगा, मतलब GSTR1 और फिर उसके काउंटर पार्ट GSTR2 भी में भी वही जाएगा, तो बेसिकली एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, आप ई इनवॉइस जनरेट करेंगे तो उससे आपका मेजरली एरर नहीं होंगे, आपका आपका जो बायर है उसका ITC ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसका कैश फ्लो भी इम्प्रूव होगा, है ना, क्योंकि अगर उसका ITC ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस, अगर आप ई इनवॉइस सप्लाई उसका सप्लायर अगर ई इनवॉइस जनरेट नहीं करता है तो डेफिनेटली जो बायर है उसका ITC जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, और उस केस में उसका कैश फ्लो भी जो है वो हर्ट करेगा, कैश फ्लो भी इंपैक्ट करेगा। तो फिलहाल यहाँ पे अगर आप ई इनवॉइस यूज करते हो तो उससे कोई एरर नहीं होगी, आपका ITC बिल्कुल परफेक्ट होगा, तो उससे आपका कैश फ्लो भी इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सब चीजें हैं जो एक टैक्स पेयर को जो है क्या बेनिफिट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेजर पॉइंट जो है वो ये है कि एरर से आप बचोगे, आपको बार बार चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, GSTR1 में भी डेटा डालना पड़ रहा है, ई इनवॉइस भी बनाना पड़ रहा है, ई वे बिल भी बनाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, आप सिर्फ ई इनवॉइस बनाइए, उससे वे बिल और आपका GSTR1 ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, एंड डेफिनेटली आपका जो बायर है उसका कैश फ्लो भी इंप्रूव्ड रहेगा। ई इनवॉइसिंग इंपैक्ट ऑन दी टैक्स पेयर, तो ई इनवॉइसिंग का जो टैक्स पेयर पे इंपैक्ट क्या है, तो वही हम बात कर रहे थे अभी। एंड अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ आपको ई इनवॉइसिंग की को फॉलो करने के लिए आप कई तरीके से वैसे तो इनवॉइसिंग कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है और काफी इजी तरीका है वो ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कराएं GSTN पोर्टल, सॉरी ई इनवॉइसिंग के लिए। अगर आपका सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आप अकाउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं या टैक्सेशन के लिए यूज कर रहे हैं, वो उसमें अगर ई इनवॉइसिंग का सोल्यूशन है तो डेफिनेटली इससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। इंपैक्ट ऑफ ई इनवॉइस ऑन द परचेज साइकिल,
तो परचेज साइकिल पे सबसे पहले क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो ये है कि आपको वेंडर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि जो ई इनवॉइस कंप्लायंट हो, या आपका एग्जिस्टिंग अगर वेंडर ई इनवॉइस में आ रहा है तो डेफिनेटली आपको उससे फॉलोअप भी ले सा बेटर होगा। एक बार आपको कंफर्म कर लेना बेटर होगा कि आपका जो भी वेंडर है क्या वो ई इनवॉइस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो प्लीज उनसे आप ये कह सकते हो कि आपकी जो भी इनवॉइसेस है वो आप टाइमली अपलोड करें, क्योंकि आप इसमें ई इनवॉइसेस जो है वो आपकी रिटर्न जो है वो भले ही क्वार्टरली जाए, लेकिन आप मंथली पेमेंट तो करते ही हैं, तो उसी के साथ साथ आप अपनी इनवॉइस भी अपलोड कीजिए, क्योंकि आपकी रिटर्न हो सकता है क्वार्टरली हो, लेकिन आपका जो बायर है, ठीक है, आपका जो बायर है उसकी रिटर्न क्वार्टरली ना हो। तो आपको भी ये खुद ही ध्यान रखना है, आपको अपने वेंडर को तो कहना ही है कि साहब आपको इनवॉइस अपलोड करना है, पेपर इनवॉइस से काम नहीं चलेगा, लेकिन आपको भी कंप्लाइंट होना है, क्योंकि आपका भी कस्टमर आपसे यही कहेगा। और परचेज साइकिल में एक इम्पैक्ट ये भी आ सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड कि आप जो भी क्यूआर कोड इनवॉइस पे प्रिंट करके दें, लोग उसको जो है वेरीफाई करें टू चेक दी ऑथेंटिसिटी ऑफ द इनवॉइस, कि आपने जो इनवॉइस दिया हुआ है वो प्रॉपरली मतलब वो अपलोड हुआ है पोर्टल पे या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बिहेवियरल चेंजेस भी आएगा और कुछ वर्किंग में भी चेंजेस आएंगे इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना है, हमें खुद भी कंप्लायंट होना है, क्योंकि हमें अपने कस्टमर का आईटीसी ब्लॉक नहीं होने देना है, क्योंकि अब पेपर इनवॉइस का कोई वैल्यू नहीं रह गया है अंटिल लेस उसके ऊपर क्यूआर कोड और आईआरएन हो, और वो तभी आएगा जब आप उसको ई इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करोगे। हैंडलिंग ई इनवॉइस एक्सेप्शंस, तो अगर हम ई इनवॉइस बना रहे हैं और उसमें अगर हम ई इनवॉइसिंग नहीं बनाते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो बेसिकली जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो आपके सामने लिखे हुए हैं, 25,000 एंड 10,000। बट अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने जो है लीनियंसी दी हुई है, और अभी ये जो पेनल्टी का क्लॉज है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। कैन आई कैंसिल द ई इनवॉइस आयरन आफ्टर जनरेशन, तो ई इनवॉइस आपने बनाया अपलोड किया आयरन जनरेट हो गया, उसका कैंसिलेशन मतलब लेट्स से आपको 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 किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया था और बाद में आपने ई इनवॉइस बनाया माल निकालने के लिए, ट्रांसफर मूवमेंट गुड्स का मूवमेंट करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उस बायर ने जो है कस्टमर ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो आपने तो आईआरएन जनरेट कर लिया है ई इनवॉइस पोर्टल पे। अब आप क्या करोगे, तो आपके पास ऑप्शन है कि जिस दिन में आपने ये आईआरएन जनरेट किया है उसके अगले दिन रात 12 बजे से पहले आप जो है आईआरएन को पोर्टल पे कैंसिल कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट आप आईआरएन को कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप क्रेडिट या डेबिट नोट का यूज करोगे, ठीक है। तो उस केस में अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं कर पाए तो फिर आप क्रेडिट डेबिट नोट जनरेट करके भी जो है आईआरएन को कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करने का मतलब ये है कि उसके इम्पैक्ट को नलीफाई कर सकते हो। हाउ कैन आई मॉडिफाई एन ई इनवॉइस, तो ई इनवॉइस कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जैसा मैंने बताया अभी कि सिर्फ और सिर्फ आप 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल कर सकते हो, उसके बाद कोई भी चेंजेस करना है तो वो क्रेडिट डेबिट नोट के थ्रू ही होगा। व्हाट डू आई डू आफ्टर अपलोडिंग ऑफ एन इनकरेक्ट इनवॉइस, तो इनकरेक्ट इनवॉइस जैसे मैंने कंटिन्यूअसली मैंने बता रहा हूँ कि अगर कोई गलती हो गई है या कोई बायर था उसने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से अगर वो इनवॉइस नहीं बन रहा है आगे
मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर पोर्टल पे जाइए, वहां पे कैंसिल का ऑप्शन दिया हुआ है, एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के आप सर्च कीजिए और कैंसिल कर दीजिए उसको, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो 24 घंटे के बाद फिर आप उसको कैंसिल नहीं कर पाओगे, और क्रेडिट और डेबिट नोट का यूज करके ही आपको जो है इसको इम्पैक्ट को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई ई इनवॉइस था, वो पहले B2C में था और बाद में जो है कस्टमर मुझे GSTN प्रोवाइड करता है, तो कुड इट बी अमेंडेड टू बी B2B इनवॉइस। तो पहली बात तो B2C इनवॉइस के लिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ई इनवॉइस की, है ना। और आपका कस्टमर जब आपको GSTN प्रोवाइड कर देगा तो ही आपको इसका ई इनवॉइस बनाना है। व्हाट इज माई सप्लायर हु इज लायबल टू इशू एन इनवॉइस बट इशू नॉर्मल इनवॉइस। तो देखिए, जब मैंने अभी बताया था कि जो प्लेन पेपर जो इनवॉइस होता है उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर उसके ऊपर IRN और QR कोड नहीं पड़े हुए हैं। तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि सप्लायर अगर इशू नहीं कर रहा है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मैं बताऊं और उससे प्रॉपर IRN और QR कोड वाली इनवॉइस जो है डिमांड करूंगा, क्योंकि आगे जाके अगर IRN QR कोड नहीं होगा तो मेरा ITC ब्लॉक रहेगा, है ना। तो वो चीज का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सप्लायर की तो है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वॉट इंडिकेट्स दैट IRP हैज अप्रूव्ड द इनवॉइस। तो ई इनवॉइस का अप्रूवल आ गया है, ये इनवॉइस प्रॉपर तरीके से बन गया है, इसका जो इंडिकेशन है वो ये है कि आपको QR कोड और IRN मिल गया है, क्योंकि अगर उसमें कोई भी गलती होगी इनवॉइस के अंदर तो फिर IRN और QR कोड जनरेट नहीं होगा। कैन बी IRP रिजेक्ट द इनवॉइस डेटा? तो IRP विल वैलिडेट दी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, और अगर आप कोई डुप्लीकेट, जैसे आप मान लीजिए इनवॉइस में कोई चीज मिसिंग है या आप डुप्लीकेट इनवॉइस को अपलोड कर रहे हैं, तो पोर्टल विल रिजेक्ट, IRP पोर्टल विल रिजेक्ट योर इनवॉइस, और वो प्रॉपर आपको मैसेजिंग भी देगा कि किस वजह से हम उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया है कि लेट्स से मेरे पास 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है और आज 5 अप्रैल है, तो कैन आई जनरेट ई इनवॉइस? तो देखिए, जनरली जो एक आइडल सिचुएशन है उसके अंदर आपको 72 आवर्स के अंदर अपना ई इनवॉइस बना लेना है। इस बात का हमें प्रैक्टिस भी बनानी पड़ेगी, और वो डिले वाला काम नहीं चलेगा कि डिले कर दिया तो, क्योंकि उसमें फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको उसकी, उसमें चार्जेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल डिपार्टमेंट जो है वो आपको अलाउ कर रहा है, तो आप फिलहाल उस मंथ की रिटर्न जब तक आप भर रहे हो तब तक आप ई इनवॉइस अपलोड कर दो, ठीक है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो आइडियल सिचुएशन में देखा जाए तो 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन को आप 5 तारीख को अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 72 आवर्स हो सकते हैं, यानी कि 3 दिन हो सकते हैं। उसके बाद का अगर कोई भी है तो फिर उसके लिए आप इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई हैव ट्रांजेक्टेड इन द मंथ ऑफ इन द लास्ट मंथ एंड फॉरगॉट टू अपलोड द इनवॉइस, कैन आई जनरेट ई इनवॉइस दिस मंथ? तो यहाँ पे बता रहा है कि लास्ट मंथ में जो है मुझे एक ट्रांजेक्शन था जिसको मैं अपलोड करना भूल गया हूँ, तो इस मंथ क्या मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ क्या? तो जैसा कि मैंने बताया कि ई इनवॉइसिंग के लिए आपको सिर्फ 72 आवर्स की ही में ही एक एक्शन परफॉर्म करना होता है, अपलोड करना होता है, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो है इसके अंदर आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाओगे। फिलहाल लीनेंसी दी गई है, बट फिर एक्चुअल सिनेरियो में, मतलब जो आइडल सिनेरियो होगा, जिस जो मतलब गोइंग फॉरवर्ड एप्लीकेबल हो सकता है, उस हिसाब से यू कैन नॉट जनरेट दी ई इनवॉइस।
वेदर ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल फॉर द इनवॉइसेस बिटवीन टू डिफरेंट जीएसटी एंड अंडर सेम पैन। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है ये कि लेट्स से मेरी दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच यहाँ पर है, दूसरी दिल्ली में है, एक दिल्ली में है और एक राजस्थान में है। अब पैन नंबर सेम है तो क्या ई इनवॉइस मुझे एप्लीकेबल होगा अगर मैं माल ट्रांसफर कर रहा हूँ? तो डेफिनेटली, क्योंकि जीएसटी के अंदर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है तो आप एक अलग डिस्टिंग पर्सन माने जाएंगे, मतलब एक अलग एंटिटी माने जाएंगे। तो उस केस में अगर आप अलग एंटिटी माने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। नाउ मोड्स ऑफ जनरेटिंग ई इनवॉइसेस क्या क्या है? तो आप आईआरपी बिजनेस पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री पोर्टल पे जाके कर सकते हैं, एपीआई के थ्रू, सॉरी जीएसपी की हेल्प से आप ईएपी ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे आप टैली के थ्रू कर रहे हैं, तो इसमें जीएसपी जो है वो टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। आप एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हैं, गोइंग फॉरवर्ड ये सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल हो सकती है, और एक्सेल टूल जो है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मोड्स ऑफ जनरेटिंग ई इनवॉइसेस है। विल आईआरपी स्टोर और आर्काइव ई इनवॉइसेस? तो ऐसा कोई भी डेटा आईआरपी पे स्टोर नहीं होगा, ठीक है? आईआरपी अब जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो आप आईएनएन और क्यूआर कोड जनरेट करके वो सारी इंफॉर्मेशन जो है जीएसटी सिस्टम को जो है वो पास ऑन कर देगा, एंड इट विल नॉट स्टोर एनी ई इनवॉइस रिलेटेड डेटा। और जीएसपी जो है उसके पास भी कोई डेटा स्टोर नहीं होगा। कई बार ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि टैली स्टोर करेगा क्या? टैली तो जीएसपी है, तो जीएसपी भी कोई डेटा जो है उस पर आपका स्टोर नहीं करेगा। व्हाट आर द चैनल्स ऑफ हेल्प एंड फीडबैक फॉर ई इनवॉइसिंग? तो आपको कोई भी हेल्प और अगर फीडबैक देना है तो आप इस पर सेल्फ सर्विस डॉट जीएसटी सिस्टम डॉट इन पर आप दे सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज द टेक्नोलॉजी फॉर ई इनवॉइस? तो ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से ई इनवॉइस जनरेट होता है, किस तरीके से क्या कंप्लीट प्रोसेस क्या है उसका, वो यहाँ पर एक पिक्चर्स के फॉर्म में, जो भी तुम बात कर रहे थे वो पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पे शो किया गया है। तो लेट्स से देयर आर टू कंपनीज, स्टार ट्रेडर्स और रॉय ट्रेडर्स, दो कंपनियां हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपनी B2B इनवॉइसेस बना के अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है उसको वाया जीएसपी पोर्टल पे डाल देते हैं, आईआरपी पोर्टल पे डाल देते हैं, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। ठीक है, नाउ आईआरपी डज द डी डुप्लीकेशन चेक। ठीक है, वो चेक करता है कि क्या आपने जो इनवॉइस डाला है वो डुप्लीकेट तो नहीं है, इसके अलावा और अदर वैलिडेशन भी करके वो सक्सेस अदर वैलिडेशन सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो वो साइंड जेसन जो है और क्यूआर कोड इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो स्टार ट्रेडर्स को भेज देता है। तो अभी स्टार ट्रेडर्स के पास एक इनवॉइस आ जाती है जिसपे आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड होता है। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आफ्टर 24 आवर्स जो है वो सारी सिस्टम जीएसटी सिस्टम पे वो सारी इंफॉर्मेशन पुश कर दी जाएगी। ठीक है, और ई वे बिल का डेटा जो है वो ई वे बिल सिस्टम पे सेंड कर दिया जाएगा जिससे कि ई वे बिल नंबर निकाला जा सके। ठीक है, तो इनवॉइस इंफॉर्मेशन गेट स्टोर्ड इन जीएसटी इनवॉइस रजिस्ट्री। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आईआरपी पे नहीं स्टोर होगी। जीएसटी सिस्टम नाउ हैज अ यूनिक इनवॉइस विथ अ यूनिक नंबर। तो अब जीएसटी सिस्टम के पास एक यूनिक इनवॉइस है, मतलब आईआरएन और इनवॉइस नंबर दोनों है और क्यूआर कोड। GSTR 1 ऑफ स्टार ट्रेडर गेट्स अपडेटेड। तो जो भी डिटेल अभी हमने अपलोड की आईआरपी में जो जीएसटी सिस्टम के पास गई है, उससे हुआ है कि मेरा जो जो सप्लायर है, सप्लायर मतलब जो स्टार ट्रेडर है, उसका GSTR 1 अपडेट हो जाएगा। और क्योंकि सप्लायर का GSTR 1 अपडेट हुआ है तो इसका काउंटर रिटर्न जो GSTR 2A 2 भी होती है वो भी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि वन GSTR 1 का ही डेटा जो है वो GSTR 2A 2B बनाने में हेल्प करेगा।
नाउ रॉय ट्रेडर्स कैन यूज द क्यूआर कोड टू वेरीफाई द इनवॉइस। तो जो शार्क ट्रेडर्स है उसने जो रॉय ट्रेडर्स है उसको इनवॉइस दिया जिसके ऊपर क्यूआर कोड और आईआरएन नंबर दोनों था। तो रॉय ट्रेडर्स जो है वो क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं इनवॉइस को ऑथेंटिकेट, वो चेक करने में, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने में कि वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। और राइट ट्रेडर्स कैन यूज दी आईटीसी रिलेटेड टू दी इनवॉइसेस इन दी GSTR 2 and 2B। तो क्योंकि GSTR 1 में इनवॉइसेस अपलोड हो रही हैं तो वो अपने उसके काउंटर रिटर्न को अपडेट करती रहेगी रियल टाइम बेसिस पे, नियरली रियल टाइम बेसिस पे। टेक्नोलॉजी इज द की। तो टेक्नोलॉजी क्यों रिक्वायर्ड है आज के जमाने में कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए? तो सबसे पहले तो एफर्टलेस जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस। तो अगर आप प्रोडक्ट के अंदर मतलब देखोगे तो ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। जो आप रेगुलर इनवॉइस बनाते हैं उसी रेगुलर इनवॉइस में जो है वो आपका जनरेशन हो जाता है। उसके साथ साथ आप सिंगल और बल्क दोनों जो है बना सकते हैं, ठीक है। सिंगल अगर आपको एक एक इनवॉइस का बनाना है डिटेल तो आप वो ही बना सकते हैं, और इनवॉइस बनाना है तो, और अगर आप बल्क में बनाना चाहते हैं तो आप बल्क में भी बना सकते हैं। उसके साथ ई इनवॉइस के साथ साथ ई बी बिल बनाने का भी एडवांटेज आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी अपना बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है आज के जमाने में, ठीक है। अगर आप ई इनवॉइस के अंडर हैं तो आप डेफिनेटली यू शुड गो फॉर एन ईआरपी सॉफ्टवेयर जो कि आपको ये सारी चीजें यानी कि ई इनवॉइस जनरेट करने की फैसिलिटी जो है वो विद इन प्रोडक्ट देता है। सो नाउ वी हैव टॉक्ड मच अबाउट दी वी हैव लिसन मच अबाउट दी GST सुविधा प्रोवाइडर। हर जगह GSP GSP GSP। तो लेट्स हैव सम डिस्कशन ऑन इट। सो GSP क्या करेगा, GSP का रोल क्या है वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि कई बार कस्टमर को कंफ्यूजन ये रहती है कि क्योंकि टैली एक GSP है तो उसके पास भी कुछ डेटा या कुछ इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें ये चीज क्लियर करना कि GSP का रोल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला तो GSP का रोल ये है, अगर एक लाइन में कहा जाए तो GSP का रोल इतना है कि सिक्योरली जो है किसी भी एप्लीकेशन को ई इनवॉइसिंग के पोर्टल को एक्सेस करने देना, या ई वे बिल का पोर्टल हो या चाहे GST का पोर्टल हो, कोई भी पोर्टल हो, जो भी गवर्नमेंट का पोर्टल है उसको एक्सेस सिक्योरली एक्सेस करवाना जो है वो GSP का काम है, ठीक है। बस इससे ज्यादा GSP का कोई रोल नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है, ठीक है, कि ऑथराइज इंटरमीडिएटरी फॉर बिजनेसेस टू एक्सेस IRP। तो एक इंटरमीडिएटरी एक ब्रिज की तरह काम करता है, ब्रिजिंग सिस्टम है एक तरीके का GSP, जो आपको हेल्प करता है कोई भी गवर्नमेंट पोर्टल को एक्सेस करने के लिए, सिक्योरली एक्सेस करने के लिए, ठीक है। जैसे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है आप अगर देखोगे तो टैक्स पेयर विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू दी IRP डायरेक्टली। तो कोई भी सॉफ्टवेयर डायरेक्टली उसको कनेक्ट नहीं कर सकता, उसको अपने GSP के थ्रू ही कनेक्ट करना होगा। यू नाउ नीड एन इंटीग्रेटेड सिस्टम टू रिमेन ऑन द टॉप ऑफ योर कंप्लायंस। तो जैसा मैंने बताया कि अब आपका जो आपकी जो जो ई इनवॉइसिंग है उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना बहुत जरूरी है, और एक ऐसा सिस्टम ऑप्ट करना जरूरी है जो इंटीग्रेटेड हो, मतलब कि आपको विद इन प्रोडक्ट ही कंप्लायंस फुलफिल करने के सारे ऑप्शंस मिल जाएं आपको सॉफ्टवेयर से उस पर्टिकुलर चीज को। जैसे हम इन 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 टर्म ऑफ दिस ई इनवॉइसिंग थिंग अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट के अंदर भी देखेंगे अभी आगे कि किस तरीके से विद इन प्रोडक्ट ही सारी चीजें आपको दी हुई है। तो दैट्स कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ई इनवॉइसिंग के लिए भी हमने एक ऐसा ही इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार किया हुआ है टैली के अंदर।
विल सी कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता सो द स्लाइड इज अगेन सेइंग द सेम थिंग कि वी नीड अ सिंपल एंड पावरफुल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू जनरेट इनवॉइसेस. सो नाउ वी आर मूविंग इनटू द प्रोडक्ट पार्ट. सो वी हैव कवर्ड द डोमेन पार्ट एंड नाउ वी आर मूविंग इनटू द प्रोडक्ट पार्ट एंड वी विल सी कि जो चीजें हम बात कर रहे थे इंटीग्रेटेड सिस्टम की वो कैसे जो है यहाँ पर आपको हेल्प करेगा. टैली का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो किस तरीके से आपको इनवॉइस बनाने में हेल्प करेगा. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं किस तरीके से हम जो है एफर्टलेसली ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं. इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोई एडिशनल काम ना करना पड़े. ठीक है, तो टैली प्राइम जो है आपको ऐसी ही फ्लेक्सिबिलिटी और ऐसी ही सहूलियत प्रोवाइड करता है जिसमें आप बिना कोई एडिशनल काम किए हुए, यानी कि आप जैसे इनवॉइस रिकॉर्ड करते हैं अभी तक, आप उसी तरह से इनवॉइस रिकॉर्ड करेंगे और टैली ईआरपी सॉरी टैली प्राइम जो है वो आपको ई इनवॉइस जनरेट करने में मदद करेगा. सो वी हैव अ वीडियो हियर, आप देख सकते हैं. सो अभी हम सिंगल इनवॉइस अपलोड की बात कर रहे हैं. तो हम अभी फिलहाल एक इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं जिसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क जो है वो नहीं करेंगे. एंड यू कैन सी कि हाउ एफर्टलेसली गेट्स जनरेटेड. सो हियर ये हमने टैग सेलेक्ट किया एंड आप देख सकते हैं नीचे इनवॉइस डिटेल का ऑप्शन आ रहा था. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ई इनवॉइस डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप यस करोगे. यस करने के बाद यहाँ पे आपने डिटेल डाल दी बिल टू और शिप टू प्लेस की और इसको एक्सेप्ट कराया. यू कैन सी यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस. आपको पासवर्ड देना है, ये लॉगिन जो आपने पोर्टल से बनाया था ई इनवॉइस के पोर्टल से. एक बार आप पासवर्ड दोगे तो वो अप्रॉक्स 6 आवर्स 5 to 6 आवर्स तक दोबारा आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है. तभी देख सकते हैं आप कि यहाँ बता रहा है ई इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली. तो ई इनवॉइस जनरेट हो चुका है और अब हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं. सो हियर यू कैन सी कि जो इनवॉइस था उसके ऊपर जो है ई इनवॉइस जो है वो प्रिंट होके आ गया था. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टैक्स इनवॉइस जो है वो बन गई और उसका एक क्यूआर कोड और आईआरएन जनरेट हो गया. तो दैट वाज 1-to-1 अपलोड. आप 1-to-1 जो है वो इनवॉइस को कैसे अपलोड करेंगे वो था. ठीक है, नाउ वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू अपलोड बल्क इनवॉइसेस ऑल्सो. सो लेट्स सी किस तरीके से हम जो है बल्क इनवॉइस को भी बल्क में भी इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं. सो हियर यू कैन सी कि कुछ 4 इनवॉइसेस के करीब जो है पेंडिंग है जिस और यहाँ एक्सचेंज ऑप्शन से भी आप देख सकते हो कि सेंड फॉर इनवॉइस ऑप्शन दिया हुआ है. अब आपको सेलेक्टेड अगर इनवॉइसेस भेजनी है तो यू कैन सेलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन सेंड. तो जितनी आपने सेलेक्ट की होंगी वो ई इनवॉइस जनरेशन के लिए चली जाएंगी. ठीक है, तो ये 2 इनवॉइस हमने सेलेक्ट करी थी तो ये 2 इनवॉइस जो है इनवॉइस जनरेशन के लिए चली गई. सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया कि 2 इनवॉइस जनरेट हो चुकी है. अब 2 इनवॉइस बची हुई है. तो इन केस अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते हो, सिर्फ ऐसे ही क्लिक कर देते हो सेंड पे, तो ये सारी की सारी जितनी भी इनवॉइसेस है वो सारी सेंड कर देगा. 4, 5, 10 जितनी भी होंगी वो सारी की सारी जो है चली जाएंगी. इन केस अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो ऑल सेलेक्टेड
ई इनवॉइस विल बी क्रिएटेड। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ चार जो बची थी वो सारी की सारी खत्म हो गई है और वो आयरन जनरेटेड फ्रॉम ई इनवॉइस में आ गई है। ठीक है, ये चारों यहाँ पर आ गया। अब किसी का भी आप इसमें से इनवॉइस प्रिंट भी कर सकते हो बेसिकली, एंड यू कैन सी दी बाय प्रेसिंग ऑल्ट F1 यू कैन सी दी एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड IRN वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो दैट वॉज दी बल्क अपलोड। इसी तरीके से आप को एक बेनिफिट और मिलता है जो मैंने अभी ड्यूरिंग द डोमेन प्रेजेंटेशन भी मैंने एक बार डिस्कस किया था कि आप ई इनवॉइस के साथ साथ वे बिल को भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज अनदर एन एडवांटेज एंड एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम। सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। तो एक वाउचर बना रहे हैं, एक नॉर्मल वाउचर जो क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो नीचे प्रोवाइड GST और ई वे बिल और ई इनवॉइस तीनों डिटेल यहां पर शो कर रहा है। F11 से ये फीचर हमें सॉरी F12 में हमें फीचर जो है GST में इनेबल करने के बाद F11 के अंदर हमें इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, ये सारी डिटेल हम इसलिए भर रहे हैं क्योंकि हमने ई वे बिल भी बनाना है, तो अगर कोई भी एक डिटेल मिस हो जाएगी तो पोर्टल विल नॉट एक्सेप्ट इट। सो दैट्स व्हाई वी आर फिलिंग ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सारी डिटेल भरेंगे जो कि बहुत जो कि जरूरी है ताकि ई वे बिल बनाते वक्त कोई मिस्टेक ना हो। एंड दैट्स इट, अगेन रिक्वेस्ट विल गो एंड यू कैन सी ई इनवॉइस एंड ई वे बिल बोथ गॉट जनरेटेड। ठीक है, एंड वी कैन टेक द प्रीव्यू ऑल्सो एंड यू कैन सी यहां पे वे बिल नंबर भी प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, तो बाय दिस वे वी कैन अपलोड एंड जनरेट द ई इनवॉइस एंड ई वे बिल बोथ। Under the invoice, we can it was showing that IRN details were there and e-way bill number यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है e-invoice के साथ साथ जो है वो e-way bill भी create कर सकते हैं। And that all is happening within the product, so that's what it's called the integrated system. ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास अगर कोई एक्सीजेंसी हो जाती है या किसी केस में जो है टैली की सर्विसेज काम नहीं कर रही हैं, ऑनलाइन जनरेशन नहीं हो रहा है, तो आपके पास ऑफलाइन जेसन क्रिएट का भी ऑप्शन है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप जब सेंड फॉर ई इनवॉइस करते हैं तो वहां पे सेंड की बजाय बगल में जो है ऑफलाइन एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे, इट विल गिव यू दी जेसन थिंग। So let and we have a very detailed report of e-invoicing, which tells you about the status of each invoice, whether its e-invoice is got generated, बन गया है, cancel हो गया है, reject हो गया है, और इससे जुड़ी और भी जो information है वो सारी की सारी हमारी जो report है e-invoice की उसके अंदर दिखती है। तो let's talk about that. तो सबसे पहले होता है, एक इंफॉर्मेशन आती है जनरेटेड IRN फॉर पेंडिंग इनवॉइसेस। ठीक है, जनरेट IRN फॉर पेंडिंग इनवॉइसेस, तो ये वो इनवॉइसेस हैं जो कि एलिजिबल है IRN जनरेट करने के लिए, बट अभी तक इनका IRN जनरेट हुआ नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपडेट IRN होता है कि इन केस अगर हमने IRN ऑलरेडी बना दिया है, इनवॉइस बना दिया है और हमें उसका स्टेटस अपडेट करना है अपने सॉफ्टवेयर में, तो वो अपडेट IRN या गेट IRN इन्फो का ऑप्शन होता है, वो हम यहां से कर सकते हैं। अपडेट IRN
मतलब कि हमने अगर मैन्युअली कोई ई इनवॉइस नंबर डाल दिया है इन केस अगर टैली की सर्विसेज काम नहीं कर रही हैं, तो उस केस में हमारा काम ना रुके तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप पोर्टल पे जाके आप ई इनवॉइस जनरेट कर लोगे। पोर्टल पे कैसे बनाओगे, पोर्टल पे बनाने के लिए अभी उन्होंने एक एक्सेल का टूल दिया हुआ है फिलहाल, उस एक्सेल के टूल से आप जेसन बनाओगे और जेसन को आप उसको अपलोड कर दोगे। तो उसके बाद इन केस आफ्टर 1 or 2 days जब टैली की सर्विसेज लाइव हो जाती हैं, दोबारा वर्क करती हैं, तो आप गेट आयरन इन्फो करके वो सारी इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हो, और जो भी उसका आयरन नंबर है और जो भी क्यूआर कोड है वो आप इनवॉइस पे अपडेट कर सकते हो। सो आपका वर्क रुकेगा नहीं, ठीक है, आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हो, आप विद इन प्रोडक्ट काम कर सकते हो, आप ई इनवॉइस बना सकते हो, बाद में आप प्रोडक्ट के अंदर उसको अपडेट कर सकते हो, सो दैट यू डोंट गेट एनी हर्डल इन योर वर्क, आपको कोई हर्डल ना मिले, आप कहीं पर भी स्टॉप ना हो। सो यहाँ पर उसी चीज को इलस्ट्रेट करने की कोशिश की गई कि गेट आयरन फ्लो कैसे करोगे आप। तो गेट आयरन का मतलब ये है कि ई इनवॉइस जनरेट हो चुका है पोर्टल पे और अब आप यहाँ पे उसका ये इनवॉइस की स्टेटस अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आयरन अपडेटेड मैनुअली, हमने मैनुअली इसके अंदर आयरन डाल दिया होगा, ठीक है, लेकिन अब इसका हम आयरन इंफॉर्मेशन लेंगे जिससे कि क्यूआर कोड भी इसका अपडेट हो जाए। तो मैन्युअली हमने कभी आयरन कोड डाल दिया होगा इसका जस्ट टू हैव द इंफॉर्मेशन, है ना, बट नाउ वी वॉन्ट दी क्यू आर कोड टू प्रिंट ऑन इट, तो उसके लिए हम गेट आयरन इन्फो करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये गेट आयरन इन्फो करने से क्या होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो पोर्टल की होती है वो इस पर अपडेट कर लेता है, और वो मैन्युअली अपडेट दिखाने के बजाय वो आयरन जनरेटेड फ्रॉम सिस्टम दिखाने लगता है, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल पार्ट कि आपका काम कहीं पर नहीं रुक रहा है, आपको मौका नहीं मिल रहा है, या आप वर्क टैली की सर्विसेज लाइव नहीं चल रही है, आपने पोर्टल पे जाके वो बना दिया ई इनवॉइस बना दिया, एंड ई इनवॉइस बनाने के बाद जो है आपने उसको गेट आयरन इन्फो करके ये सारी इंफॉर्मेशन फेच आउट कर ली, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने इनवॉइस बना दिया उसके बाद उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ है। कई बार मल्टी यूजर के केस में क्या होता है कि एक यूजर तो एक नोड पे काम कर रहा है, एक टर्मिनल पे काम कर रहा है, और एक यूजर दूसरे टर्मिनल पे काम कर रहा है, और उसने इनवॉइस खोली और कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए, तो वो चेंजेस ट्रैक होने बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इन केस अगर आपने इनवॉइस बनाया है और कोई मॉडिफिकेशन बाद में कर दी गई, अमाउंट बढ़ा दिया है, कुछ कर दिया, तो वो ट्रैक होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने इनवॉइस की रिपोर्ट में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप आयरन की रिपोर्ट को देख सकते हो कि कैंसिलेशन ऑफ सॉरी वन सेकेंड आपके कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइस भी देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको कैंसिल करेंगे। तो आप इनवॉइस में जाएंगे, ई इनवॉइस की रिपोर्ट में, और आयरन जनरेट फ्रॉम ई सिस्टम दिखा रहा है कि आयरन जनरेट हो चुका है और अब आपको इसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए आप देखोगे नीचे कैंसिल आयरन का ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करोगे, यू विल गेट टू ऑप्शन, मार्क एज कैंसल्ड एंड अपडेट कैंसिलेशन। राइट नाउ वी आर डूइंग मार्क एज कैंसल्ड, तो मार्क एज कैंसल्ड इज समथिंग समवॉट कि आपने मैनुअली उसको कैंसिल कर दिया है, ठीक है, मीन्स वो पोर्टल पे ऑलरेडी कैंसिल है और यहाँ पे आपने उसको कैंसिल मार्क कर दिया है, ठीक है। और पोर्टल से मतलब पोर्टल पे भी वो इनवॉइस ऑलरेडी कैंसिल्ड है और यहाँ पे आपने सिर्फ उसको मैन्युअली कैंसिल मार्क कर दिया है। एक दूसरा तरीका है जिसमें आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप टैली से ही कैंसिल कर सकते हो। तो जहाँ आप उसको लिख करोगे अपडेट कैंसिलेशन, और अपडेट कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे रीजन फॉर कैंसिलेशन डालेंगे आप, और रीजन फॉर कैंसिलेशन डालने के बाद रिमार्क डालेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, और इसको यस कर देंगे। जैसे ही यस करेंगे, यस करने के बाद आपको ये इनवॉइस की इंफॉर्मेशन अभी कैंसिल नहीं हुई है, इनवॉइस कैंसिल करने के लिए आपको एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा, जहां पे सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग के अंदर आपको ये इनवॉइस पेंडिंग दिखेगा, आप इसको सेंड कर दीजिए,
जिससे कि आपका आयरन जो है वो पोर्टल पे भी कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ई इनवॉइस जो है वो कैंसिल हो गया है, वो टैली के अंदर भी हो गया है और हमारा पोर्टल के ऊपर भी हो गया है। एक चीज का जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि अभी आप कोई इनवॉइस बना रहे हैं और बनाने के साथ साथ बनाने के बाद आपने उसको कैंसिल कर दिया है, ठीक है, तो पोर्टल पे वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। पोर्टल पे कैंसिल होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि टैली के अंदर आपको वो इनवॉइस भी कैंसिल करना पड़ेगा। वो इसलिए है क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड आप जैसे हमने देखा कि ई इनवॉइसिंग से ही आपका जीएसटी आर1 बनेगा, और आपका अगर कोई ई इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, अगर क्योंकि ई इनवॉइस हमने बनाया और फिर उसको कैंसिल कर दिया तो इट मींस वो बना ही नहीं, तो ई इनवॉइस अगर नहीं बना है और उसको हमने सॉरी ई इनवॉइस बना और उसको हमने कैंसिल कर दिया है और फिर हम टैली के अंदर वो इनवॉइस दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बनेगा, तो एनीवे हमको दूसरा इनवॉइस क्रिएट करना पड़ेगा जस्ट टू अपलोड द इंफॉर्मेशन। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो इनवॉइस रिजेक्टेड, अब वो रिजेक्शन और रिजेक्शन के बारे में बताया था मैंने कि इनकेस अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो वो टैली जो है वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जब आप अपलोड करेंगे तो आपको वो बताएगा कि किस वजह से वो रिजेक्ट कर रहा है, वो भी बताएगा। जैसे एचएसएन नंबर नहीं है तो वो बताएगा कि एचएसएन नंबर इज नॉट वैलिड या पिन कोड नॉट वैलिड, जो भी इश्यू होगा जिसकी वजह से वो रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर डुप्लीकेट अगर इनवॉइस नंबर है, एक बार आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हो तो ये सारी चीजें जो है वो आपको उस वजह से वो उसको उस वजह से वो जो है वो उसको आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा उसकी कि जो भी उसका अपडेट होगा उस प्रोडक्ट का, उस इनवॉइस का। सो इन मल्टी यूजर सिनेरियो, जहां पे डेटा शेयर होता है हर समय, शेयर्ड एनवायरनमेंट में होता है, वहां पे जो है ज्यादातर चांसेस होते हैं कि इनवॉइस जनरेट होने के बाद जो है उसमें चेंजेस आने के, तो वो भी उसको भी ट्रैक करने के लिए टैली में रिपोर्ट दी गई है जिसके थ्रू आप जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो दीस वर द थिंग्स जो कि प्रोडक्ट के अंदर होगा। तो प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं एक समरी के फॉर्म पे, तो ई इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हो, सिंगल भी, बल्क भी, आप कैंसिल भी कर सकते हो, और अगर आपने पोर्टल पे कैंसिल किया हुआ है तो वहां से आप गेट आयरन इन्फो करके उसकी अपडेट इन्फॉर्मेशन यानी कि आयरन नंबर और उसका क्यूआर कोड आप ले सकते हो। जो पोर्टल है वो कुछ इनवॉइसेस आपकी रिजेक्ट भी कर सकता है, विच मीन्स कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या फिर आप डुप्लीकेट नंबर जो है वो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है प्रोडक्ट के अंदर ही जो है इंटीग्रेट करी गई हैं जिससे कि आपको प्रोडक्ट से बाहर ना जाना पड़े। अलॉन्ग विद दैट यू कैन जनरेट ईगो बिल नंबर टू विच इज द एडेड एडवांटेज। नाउ बेस्ड ऑन द बिजनेस टाइप वी हैव सम बिजनेस सिनेरियो हियर, कुछ बिजनेस सिनेरियो है जिसके बारे में हम बात करेंगे और किस तरीके से आप ई इनवॉइस इम्पैक्ट करेगा उस बिजनेस को, उसके बारे में बात करेंगे। सो यू आर यूजिंग सम अदर सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग और बिलिंग। सो हो सकता है कोई ऐसी कंपनी हो जो कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज कर रही हो अकाउंटिंग और बिलिंग के लिए, ठीक है, तो उसके उस हिसाब से आपका जो बिजनेस, उस बिजनेस सिनेरियो के हिसाब से ई इनवॉइस कैसे आपको इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो ई इनवॉइसिंग इनेबल्ड है या नहीं है, ठीक है, और दूसरा आपका जो जिस जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वो जीएसपी है या नहीं,
क्योंकि जीएसपी इज दी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। तो जनरली क्या होता है कि अभी तो फिलहाल जो पोर्टल है वो जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है उसका कोई पैसा नहीं ले रहा है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो है ऐसा हो सकता है कि दे कैन दे मै चार्ज। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर आगे चल के ये दिक्कत हो सकती है कि पहले तो कमर्शियल्स नहीं बताए थे। कई बार कस्टमर ही कंप्लेन करता है कि पहले तो कमर्शियल्स नहीं होते थे, अभी अब आप पैसा ले रहे हो, ठीक है। तो उसको काउंटर करने के लिए एक ही चीज है कि अगर जीएसपी मतलब जो अगर गवर्नमेंट पोर्टल है वो अगर पैसा नहीं ले रहा है तो डेफिनेटली तब तक जो है हम भी पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें क्लियर तभी होंगी जब आपको ये पता होगा कि जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो जीएसपी है या नहीं है। बट ये एक डिस्कशन का बहुत ही जरूरी पार्ट होता है, इसको क्लियर कर लेना जरूरी होता है। इंश्योर योर सॉफ्टवेयर हैंडल्स द वेरियस बिजनेस सिनेरियोस ऑफ ई इनवाइसिंग, ई इनवाइसिंग, ई वे बिल और रिटर्न्स के जो है सारे जो है वो सिनेरियोस को सपोर्ट करता हो ऐसा सॉफ्टवेयर जो है आपको यूज करना चाहिए। अकॉर्डिंगली यू मे चूज विच इज द बेस्ट सोल्यूशन टू ऑप्ट फॉर ई इनवॉइसिंग। तो आप तो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो इनवॉइसेस जनरेट करने के लिए, ई इनवॉइसिंग के लिए आपको, क्योंकि ई इनवॉइसिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कंप्लायंस भी इससे जुड़ा हुआ है, तो द कस्टमर शुड ऑलवेज प्रिफर दी सॉफ्टवेयर विच आर ए एस पी एंड जी एस पी ऑल्सो, ठीक है। ई एस पी इज दी सॉफ्टवेयर कंपनी विच प्रोवाइड्स दी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, और जीएसपी जो है वो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है। तो टैली जो है वो दोनों ही है। यू आर यूजिंग टैली फॉर बोथ अकाउंटिंग एंड बिलिंग। तो इफ यू आर यूजिंग टैली ERP 9 6.6.3 फॉर बिलिंग एज वेल एज द अकाउंटिंग पर्पज, हाउ ई इनवॉइस विल इम्पैक्ट यू। सो इंश्योर यू हैव रिसीव द नोटिफिकेशन फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट। तो आपको ई इनवॉइस का नोटिफिकेशन आ चुका होगा। यू नीड टू कंप्लाई द ई इनवॉइसिंग मैंडेट एंड इट्स मैंडेट एंड नीड टू बी ऑन द लेटेस्ट रिलीज ऑफ टैली टू जनरेट द ई इनवॉइसेस। तो टैली ERP रिलीज 6.6.3 जो है वो जीएसटी का सॉरी ई इनवॉइस कंप्लाइंट नहीं है, ठीक है। ई इनवॉइसिंग के लिए आपको टैली प्राइम जो टैली का लेटेस्ट प्रोडक्ट है एंड टैली ERP जो है वो 6.6.3 वो अपने वो लास्ट प्रोडक्ट रिलीज था टैली का, इसके बाद उसके अंदर कोई अपडेट या नहीं आने वाला है उसके अंदर। तो इसके लिए सजेशन यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप टैली प्राइम यूज करना शुरू कर दें, क्योंकि टैली प्राइम जो है वो आपका ई इनवॉइस इनेबल्ड रिलीज है। योर क्लाइंट विल एक्सपेक्ट अ ई इनवॉइस फॉर अ परचेज डन, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी मैं बता रहा था डोमेन सेक्शन में कि कंप्लाइंट होना ये आपकी विश नहीं, आपके बायर की भी विश है, ठीक है। मेरी मेरी विश तो है कि भाई मेरा वेंडर जो है वो टाइम सॉरी मेरा जो वेंडर है, मेरा जो सप्लायर है वो टाइमली ई इनवॉइस जनरेट कर दे जिससे मेरा ITC ब्लॉक ना हो। एंड द सेम एक्सपेक्टेशन इज योर कस्टमर इज हैविंग, ठीक है। तो आप जो है ई इनवॉइस कंप्लायंट जो है रिलीज को यूज करें जिससे कि आपके कस्टमर का भी बेनिफिट हो और आपका भी बेनिफिट हो। यू हैव मल्टीपल ब्रांचेस यूजिंग टैली फॉर बोथ अकाउंटिंग एंड बिलिंग। सो लेट्स से यू हैव 3 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया एंड दे फॉल अंडर द परव्यू ऑफ ई इनवॉइसिंग, सर्टेनली देयर ERP टैली ERP 9 6.6.3 इज इंस्टॉल्ड एट ऑल लोकेशन फॉर अकाउंटिंग एंड एज वेल एज बिलिंग पर्पज। हाउ ई इनवॉइसिंग विल इम्पैक्ट यू। सो यू नीड टू इंश्योर दैट ऑल ब्रांचेस हैव द लेटेस्ट टैली प्राइम एज आई ऑलरेडी सेड, बिकॉज टैली ERP विल नॉट गिव यू द फैसिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग एज इनवॉइसिस नीड्स टू बी रेज फॉर इंटर स्टेट ब्रांचेस डिफरेंट GST एंड विद सेम पैन। यू ऑल्सो नीड टू रेज ई इनवॉइस एज देर इज नो एक्सेप्शन ग्रांटेड फॉर इट। योर क्लाइंट विल एक्सपेक्ट ई इनवॉइस फॉर द परचेज डन, हैंस इट बिकम्स क्रिटिकल फॉर यू बींग अ सप्लायर एज ई इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी ग्रांटेड बेसिस द ई इनवॉइसिंग रूल। यू नीड टू इंश्योर
इनवॉइसेस रिसीव्ड फ्रॉम योर वेंडर्स आर इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेटेड. सो मतलब कि आपकी जो इनवॉइसेस हैं वो ई इनवॉइस सपोर्टेड होना चाहिए, जिससे कि आपके वेंडर जो हैं वो IRN और QR कोड के थ्रू उसको वैलिडेट कर सकें. और एक बार सो there might be some chances that your CA is using the tally for auditing purpose. So let's say you are falling under the purview of invoicing and using tally ERP, then and your CA is using tally ERP also. Tally ERP he use kar rahe hain, theek hai, to audit your data, how invoicing will impact you and your CA. सो फर्स्ट वन थिंग विच इज वेरी क्लियर कि आपको टैली ERP में तो कोई अपडेट नहीं मिली है और आगे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरी की पूरी अपडेट जो है वो टैली प्राइम में ही आएगा गोइंग फॉरवर्ड, और इनवॉइसिंग जो है वो टैली प्राइम के अंदर है. तो वन थिंग विच इज वेरी क्लियर कि आपको टैली प्राइम में शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है. And being on the latest release of Tally Prime will help in seamless audit of your business, and the e-invoice details will be required to complete the audit process. So definitely once you are on the latest release which supports the Tally Prime, which supports the e-invoicing, जो कि ई इनवाइसिंग को भी सपोर्ट करता है, अगर टैली प्राइम अगर आप उसकी लेटेस्ट रिलीज को यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको और आपके सी ए को हेल्प करेगा, और जिससे आपको वर्किंग जो है आपकी काफी स्मूथ हो जाएगी और काफी हेल्प करेगा आपको ये. द टैली प्राइम विल ऑल्सो हेल्प इन यू द ऑटो पॉपुलेशन एंड एलिमिनेट द मैनुअल डेटा एंट्री वेल फाइलिंग रिटर्न्स. तो डेफिनेटली आप जब ई इनवॉइस बनाओगे तो नाउ ई इनवॉइस हैज बीन वेरी क्रूशल रोल, ठीक है, बहुत ही क्रूशल हो गया है ई इनवॉइस का रोल, क्योंकि ई इनवॉइस के थ्रू ही आपकी ईवे बिल बन रही है और ई इनवॉइस के थ्रू ही आपकी GSTR 1 और सामने वाले की 2A2 भी बन रही है. तो दैट ई इनवॉइस इज गोइंग टू प्ले वेरी क्रूशल रोल. सो टैली प्राइम रिलीज 1.1 एंड अबव रिलीजेस जो है वो उनकी USPs क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले बिकॉज टैली इज अ GSP, टैली इज अ GSP ऑल्सो, सो वी हैव हैसल फ्री, वी कैन वी गिव दी हैसल फ्री एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन जनरेशन ऑफ ई वे बिल्स एंड ई इनवॉइसिंग. And the entire process is a very integrated kind of thing. It is a very integrated thing. As I said, कि e-invoicing के अगर हम बात करें तो it is a complete integration with the e-invoicing portal. तो आप इस पे e-invoice बना भी सकते हो, single भी upload कर सकते हो, bulk भी कर सकते हो, e-invoice cancel भी कर सकते हैं, ठीक है. तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन विद द प्रोडक्ट. फ्लेक्सिबिलिटी टू जनरेट ई इनवॉइस ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, ठीक है. एबिलिटी टू जनरेट ई वे बिल ऑनलाइन फॉर ई इनवॉइस एप्लीकेबल ट्रांजेक्शन. तो जैसे मैंने बताया कि ई इनवॉइस के साथ साथ आप वे बिल भी जनरेट कर सकते हो अगर एप्लीकेबल है तो. इंट्यूटिव ई इनवॉइस प्रीव्यू रिपोर्ट दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द एप्लीकेशन. Flexibility to export the e-invoice file offline and handle exigency report. So, जब आप export करते हो, ठीक है, when you export the invoice, this option is available in send for e-invoicing. Send for e-invoice के अंदर दो option होता है, एक send होता है, एक offline export होता है. तो offline export से आपको JSON मिलती है. तो in case अगर online आप नहीं बना पा रहे हैं या किसी वजह से ऑनलाइन नहीं बन पा रही है ई इनवॉइस, तो आपका काम न रुके इसके लिए आप इस टैली से जो है जेसन भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है. MIS रिपोर्ट्स टू वेरीफाई द स्टेटस एंड परफॉर्म द एक्चुअल एक्टिविटीज. तो जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कि जो टैली की रिपोर्ट है वो आपको हर तरह के स्टेटस के बारे में बताती रहती है, जैसे कि
ई इनवाइस जनरेट हो चुका है कि नहीं, या ई इनवाइस की डिटेल आपने मैनुअली डाली है, ई इनवाइस कैंसिल हो गया है, ई इनवाइस मैनुअली कैंसिल हुआ है, ई इनवाइस में बनाने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं, ई इनवाइस रिजेक्ट हो चुका है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन भी हैं जिसमें कि वो ट्रांजेक्शन आते हैं जिसमें कोई ना कोई मिस्टेक होती है, तो ये सारे बहुत ही क्लासिफाइड, अगर आप कहोगे मतलब कैटेगराइज्ड वे में जो है ये रिपोर्ट तैयार करी जाती है, जिससे कि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, सो दैट इज दी बेसिक स्ट्रक्चर, अगर जिसको हम ऑलरेडी और कंटिन्यूअसली डिस्कस करते चले आ रहे हैं। देर इज अ सॉफ्टवेयर टैली प्राइम विच इज कॉल्ड ASP, एंड देर इज इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP जिसको कहते हैं, इसके बीच में टैली GSP है जो कि इंटीग्रेशन सक्सेसफुल कराता है, एंड देन इंफॉर्मेशन जो भी आपकी IRP पे है वो GST सिस्टम, UL सिस्टम एंड फर्दर रिटर्न्स लेवल तक पुश करी जाती है। सो दैट्स इट, आई होप दिस सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और काफी सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हुए होंगे, एंड इन केस अगर आपकी अभी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो यू कैन रीच आउट टू योर रीजनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टैली टीम। थैंक यू वेरी मच।